Hello students, good morning to all of. In our last video sessions, I have completed and chapter completed. Today we are going to start our next chapter, that is cell membrane. Students, आज हम जो है cell membrane की study करने जा रहे हैं. Cell membrane जो है cell का जो parts है उसका एक next part है cell. Cell membrane is the most important part of plant cell and animal cells. Okay, so let's see. First of all, हम बात करेंगे यहाँ पर cell membrane की, ठीक है, कोशिका झिल्ली. तो कोशिका झिल्ली कहाँ रहती है, तो हम बात करते हैं जब प्लांट सेल के अंदर, तो जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, हम जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर डायग्राम, रफली डायग्राम बनाते हैं अपन प्लांट सेल का. दिस इज प्लांट सेल. ओके, तो दिस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, अंडरस्टूड. तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोशिका कला, कोशिका कला या झिल्ली, ठीक है. तो इस की बात करेंगे हम अपन यहाँ पर, क्योंकि किसी भी सेल के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वाटर का आना जाना, फ्लो होना, या फिर किसी भी फूड सब्सटेंस का आना जाना जो है इनके थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है. तो सेल का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हम कह सकते हैं कि ये सेल परमिएबल होता है, परमिएबल, पर मीएबल हो सकता है, सेमी परमिएबल, ठीक है. क्या होता है, या सिलेक्टिव. सिलेक्टिव मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस को सिलेक्ट करने के बाद में अंदर पहुंचाना, ठीक है. क्योंकि जो सेल्स होती हैं, कोशिका जो होती है, इस प्रकार से जो है क्या होती है, इस प्रकार से अरेंज होती है, ठीक है. तो इस तरह से जो है क्या होती है, ये सेल्स होती है, अंडरस्टूड. तो ये सेल्स जो है एक हमारी बॉडी में जो है एक कोशिका नहीं है, हमारी बॉडी में जो है हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय है. तो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी. तो उन कोशिकाओं के अंदर जो है जो फूड फॉर्मेशन जाता है, फ्लो होता है, फूड या ऑक्सीजन या ब्लड्स, ठीक है, एक्सेट्रा, तो वो इनके कॉन्टेक्ट से जाता है. यदि एक सेल के पास में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ना हो, तो कोई भी चीज़ जो है यहीं तक सीमित रहेगी, ठीक है. जैसे ऑक्सीजन हुआ, फूड हुआ, वाटर हुआ, तो ये यहाँ तक ही सीमित रहेगी, इस आगे नहीं बढ़ती जाएगी. लेकिन इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. तो कोई भी वाटर जो है क्या होता है, आगे फ्लो होते रहता है, ठीक है. आगे जो है क्या होता है, फ्लो होते रहता है, मतलब मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी होता है. किसी भी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होना बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है. अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप समझ गए हैं कि हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. तो साइंटिस्टों ने जो है इसको भी जो है क्या करा है, एक्सप्लेन किया है, इस लेयर को भी क्या करा है, उसने एक्सप्लेन किया है और बताया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका कला होती है, वो जो है तीन लेयर के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है. इसको जो है तीन भागों में, इसको जो है पार्ट को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर आउटर लेयर, इसको यहाँ देखिए जाए इसको, मीन्स यहाँ पर ये है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से जो है लेयर होती है, ठीक है. तो ये लेयर कौन सी होगी, आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर, अंडरस्टूड, मतलब बाहरी परत, बाहरी परत, ठीक है. और ये जो है इनर लेयर, इनर लेयर, ठीक है, आंतरिक, आंतरिक परत. और ये कौन सी होगी, मिडल, मिडल लेयर, अंडरस्टूड. तो तीन मतलब बताया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको तीन भागों में, थ्री पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब बात करते हैं, कि 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की इसकी जो है मोटाई होती है, कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम. और एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, वो होता है 10^-10 मीटर, अंडरस्टूड. इतना क्या होता है, इतनी बारीक
मतलब हम उसको देख भी नहीं सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10^-10 मीटर, इतना क्या होता है फाइन होता है, मतलब एक लेयर तो 20 एंगस्ट्रॉम जो होती है ये भी जो है 20 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है, जो इनर लेयर होती है जो आउटर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है, और जो इनर वाली होती है वो भी क्या होती है 20 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है, और जो मिडिल होती है 35 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ठीक है, जो मिडिल लेयर होती है उसकी जो है क्या होती है जो व्यास है उसकी जो ब्राउडिंग होती है वो क्या होती है वो ज़्यादा होती है। अंडरस्टूड। तो सेल मेम्ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लेयर, इनर लेयर एंड मिडिल लेयर। ठीक है, तो आउटर के अंदर 20 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10^-10 मीटर, इतना उसका जो है क्या होती है मोटाई उसकी होती है, उसकी ब्राउडनेस होती है उसकी। अंडरस्टूड। अब इसके बाद बताया गया है कि जो थ्री लेयर है वो 3 लेयर के अंदर आउटर लेयर और इनर लेयर, आउटर और इनर जो है प्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है प्रोटीन की। अंडरस्टूड। तो ये जो है 3 लेयर किसकी बनी होती है प्रोटीन की, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बाहर की लेयर है तो प्रोटीन की बनी होगी, जो इनर अंदर की है वो भी प्रोटीन की बनी होगी, लेकिन जो मिडिल लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, किसकी बनी होती है जो मिडिल लेयर होती है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड। अंडरस्टूड। क्या होती है फॉस्फोलिपिड। अब जो फॉस्फोरस जो एसिड होता है, फॉस्फो एसिड जो होता है वो लिपिड के साथ में वहाँ पर काम करता है, तो फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड क्या है, एक प्रकार का जो है हम बात कर सकते हैं एज ए कार्बोहाइड्रेट होता है, मीन्स यहाँ पर ये है कि जो लिपिड्स है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की तरह क्या होता है एनर्जी प्रोडक्ट होता है, क्या होता है एनर्जी प्रोडक्ट, मतलब क्या ऊर्जा देने वाला सब्सटेंस होता है। तो फॉस्फोलिपिड की जो है मिडिल लेयर, आउटर और इनर जो है किसकी बनी होती है आउटर और इनर जो है प्रोटीन बनी होती है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है डिफरेंट साइंटिस्टों ने जो है डिफरेंट मॉडल रिप्रेजेंट किए, उनमें से हम जो एक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सैंडविच मॉडल ऑफ डेनी डेविसन। ठीक है, मीन्स यहाँ पर यह है कि जो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि 3 लेयर मतलब जो है 3 पार्ट्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके जो कोशिका झिल्ली होती है या कला होती है उसके 3 भाग होते हैं, तो 3 भाग जो है 2 भाग तो प्रोटीन के बने होते हैं और 1 भाग जो है फॉस्फोलिपिड का बना होता है। तो उसको मतलब जो है प्रूव करने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, और बताया ये मॉडल किसने दिया था, सैंडविच मतलब क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि हम सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच के अंदर जो ब्रेड होता है ऊपर ब्रेड होता है नीचे भी क्या होता है ब्रेड होता है और बीच में क्या होता है उसके अंदर उसका जो है मसाला होता है, उसी तरह से जो है एक मॉडल प्रस्तुत किया गया किसी द्वारा गया डेनी और डेविसन, दो साइंटिस्टों ने जो है मिलकर इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है मॉडल प्रस्तुत करने के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर कि जो प्रोटीन होते हैं मतलब जो लेयर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कि जो लेयर बनी हुई है ये किसकी बनी हुई है, ये लेयर बनी है प्रोटीन की। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया है कि आउटर लेयर प्रोटीन की और इनर लेयर का ये बनी है वो भी प्रोटीन की बनी है, मतलब आउटर भी और इनर भी दोनों लेयर किसकी बनी हुई है प्रोटीन की बनी होती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टूड, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन जो दिया गया है यहाँ पर तो आउटर के लिए भी हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर आउटर लिख सकते हैं हम आउटर बाहरी, ठीक है, और ये आंतरिक इनर। अंडरस्टूड। तो ये इनर और ये क्या हुआ आउटर। ठीक है, अब बचता क्या है बीच में क्या होता है ये बचा है हमारे पास में, इसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। ठीक है, लिपिड की द्विपरत। ठीक है, ऊपर आउटर में प्रोटीन, इनर के अंदर प्रोटीन, मिडिल के अंदर लिपिड। लिपिड क्या है, एनर्जी प्रोडक्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ऊर्जा देने वाला प्रोडक्ट होता है, जैसे हम बात कर सकते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फैट्स, ये 3 क्या है प्रोडक्ट होते हैं, एनर्जी के स्रोत होते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो बताया गया है कि जो मिडिल लेयर होती है वो बनी होती है किसकी, लिपिड्स की बनी होती है। अब लिपिड्स की बनी हुई है उसके अंदर भी जो है क्या होता है 2 लेयर है, किसके अंदर मतलब जो मिडिल लेयर है उसके अंदर भी जो है 2
पार्ट में कैटेगराइज किया गया है उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर, अब लोग देख रहे हैं इसको, ये जो राउंडेड शेप है ये बनाया गया है कि इसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। दो भाग डिवाइड इस तरह से होते हैं कि उनका जो है हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब जो उनका जल स्नेही, जो जल के प्रति क्या करते हैं स्नेही, मतलब जो है कॉन्टेक्ट में रहते हैं, जो वाटर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो वो क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे उनका, और जो वाटर के कॉन्टेक्ट से दूर रहेंगे तो उनकी टेल रहेगी, क्योंकि क्या बोलेंगे अपन, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जल स्नेही वाटर के कॉन्टेक्ट में, और जल विरागी जो वाटर से दूर होते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी ले जम जाती है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है कहाँ पर है, ये वाटर के कॉन्टेक्ट में है, और ये जो लेयर बनी हुई है नीचे, ये जो है वाटर के कॉन्टेक्ट से दूर है, तो इस प्रकार से अरेंज हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गई, ये अरेंज हो जाती है, और इनके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो है बारीक बारीक पोर प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है कुछ सब्सटेंस इंट्री करते हैं, अंदर आते हैं, कुछ सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, किनके थ्रू, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो जो सेल्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी के ही रास्ते जो है सभी सब्सटेंस इंटर करते हैं, अंदर आते हैं पार्ट कहाँ पर, सेल्स के अंदर आते हैं, और सेल्स के अंदर से कुछ पार्ट जो है सेल के बाहर जाते हैं। तो आपको समझना यहाँ पर यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, मिडिल पार्ट, इनर पार्ट और आउटर। ठीक है, और प्रोटीन जो है आउटर इनर में रहता है, मिडिल के अंदर जो है फॉस्फोलिपिड की लेयर बनी होती है। अंडरस्टूड, आज के लिए नहीं समझना था उन लोगों को कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस प्रकार से मतलब वर्किंग करती है। अंडरस्टूड, तो स्टूडेंट्स आज हमने ये सीखा है, अब नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है नया आपके लिए मॉडल रिप्रेजेंट करेंगे आपको। ओके, थैंक यू।